महाकाल, जय श्री ओंकारेश्वर। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट दर्शन होंगे। ये हम जो है यहाँ बोटिंग के लिए आए हैं, आप देख पा रहे हैं बोट यहाँ से मिलेगी। बोट जो है आगे पूरा घुमा करके भी लाती है और इधर से उस पार भी ले आती है। वो ये जो आप किनारा देख पा रहे हैं वो वाले किनारे पर भी ले आती है। ये वाले किनारे जाएंगे तो कम पैसे लगेंगे, पूरा राउंड घूमेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। बाकी बोट का मज़ा आप यहाँ ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। मैंने बता दें, एक प्रतिमा है या ऊपर देख पा रहे हैं, शंकराचार्य की प्रतिमा है ये। और ये है मुख्य मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है प्रमुख मंदिर। ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं यही मेन मंदिर है श्री ओंकारेश्वर का। और यहाँ जैसा मैंने ये बताया कि बोटिंग के लिए आप जा सकते हैं, बढ़िया। जय श्री ओंकारेश्वर, जय श्री। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जय हो। क्या अरे आप आने का फिर ले जाओ, अपनी पूरी बात हो गई। देखो हाँ, कहाँ कहाँ ले जाए बता। चलेंगे त्रिवेणी संगम, लालन मठ, हाँ विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन, बोट लोकेशन, हाँ हाँ ओंकारेश्वर दर्शन करोगे बोट रुकेगा, हाँ उसके बाद ममलेश्वर मंदिर। ममलेश्वर मंदिर लास्ट में ड्रॉप करते हैं, ममलेश्वर दर्शन करके बाहर आ जाओ। अच्छा ठीक है, ये फोटो बता कहाँ कहाँ पर। त्रिवेणी संगम, हाँ हाँ विष्णु भगवान, हाँ ओंकारेश्वर, ममलेश्वर। चलो ठीक है, तो हम सबके दर्शन अभी करने जा रहे हैं। बोलो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय हो, जय मां नर्मदे मैया की। दोस्तों अभी हम हैं ओंकारेश्वर में और ऐसा आप जानते ही हैं, अब हम कर रहे हैं बोट पर बोट की सवारी। जय हो माता जी, राम राम, राम राम पिताजी, जय हो। ये ओंकारेश्वर मंदिर, राम राम। ओ लाइफ जैकेट पहनिए मिस्टर रोजस। नमस्कार, राम राम, वेरी गुड। जी जी, अभी डैम से वाटर लेवल बढ़ा हुआ है इसलिए सही से दिखेगा नहीं, यहाँ से थोड़ा जल एडजस्टमेंट कर लेना, अपने ऊपर जल जीतना है, थोड़ा थोड़ा जल जीतना। कुवेरी तावा तीन नदी का जल आता है, जल एडजस्टमेंट कर लेना। नर्मदा कुवेरी तावा तीन नदी, हाँ तावा, तीन नदियों का संगम है नर्मदा कुवेरी और कावा, थोड़ा सा जल एडजस्टमेंट कर लो। थोड़ा थोड़ा करना है, जय श्री शंकर। जय श्री शंकर।
जय हो, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अरे भैया, जय हो, जय भोलेनाथ की। दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, उसकी मान्यता है भाई पुराना भी है। पुराना ना अन्नपूर्णा आश्रम बना। हाँ, नागर जी का इधर है ये आश्रम में बना हुआ है। Thank you.
के दर्शन कर रहे हैं। लिखा है फोटो एक बार और नजारा दिखाते हैं दोस्तों आपको, नदी का लगी हुई है, ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए। अंदर जा सकते हैं दीदी? ओह मंदिर के नीचे ही ओम नमः शिवाय। ये एक मंदिर के नीचे एक मंदिर है, तो शायद अंदर गर्भगृह के लिए रास्ता जाता होगा, फिर अपन अंदर नहीं जाएंगे। देखो ये ऊपर है इधर मंगलेश्वर का मंदिर और सामने है और कालेश्वर मंदिर। यहाँ से बुक लेके आप सीधे दर्शन करने भी जा सकते हैं। जब ये पुल नहीं होंगे तब वो ठीक काम आती होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बनाओ भैया, बनाओ नींबू पानी।